एएनएमटीटी पहुंची है ग्रीन ग्राउंड जीरो पे, जो एलओसी के पास जो सलोत्री इलाका है, जिस इलाके में रात को पाकिस्तान की फायरिंग से तीन हमारे वहां पे नागरिक शहीद हो गए। और वहां से सलोत्री से ये हमारे क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुनैद सर। मोहम्मद जुनैद सर, बताएं क्या हुआ रात को? रात को सर तकरीबन 8 बजे यहाँ पे फायरिंग शुरू हुई पाकिस्तान की तरफ से, बिला इश्तियाल अंग्रेज जो है, बिला इश्तियाल इतना फायरिंग हुआ कि जिसका एदाद व शुमार नहीं किया जाता, हज़ारों की तादाद में, ये नहीं कि 100 की तादाद में, सैकड़ों की, हज़ारों की। हमारे मेरा जो है लास्ट आगे है एल ओ सी पर हादे मुतारक पर, ये वार्ड है जो इसका नाम सुहानाड़ है, वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त, चीड़ के दरख्त जो है वो गिरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह तबारकुल्लाह ने माजे के जीवन से बचा दिया। यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 5 के मोहम्मद असलम जी हैं, उनके दो पोते, एक पोती एक पोता और एक उसकी बहू जो है वो उसी वक्त आस पास मौके पर ख़त्म हो गई। एक बच्चा जो है वो 2 घंटे रहा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ पे एम्बुलेंस होती या 10 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल होता शायद वो बच सकती थी। एक जो लड़का है वो जम्मू में रेफ़र किया गया। बाकी इस वक्त कोरोना माफू से हमारे यहाँ पे लोग हैं जितने भी हैं हम परेशान हार हैं, बैंकों की कोई यहाँ पे तामीर नहीं हुई। कितने दिन से फायरिंग यहाँ चल रही है इस इलाके में? फायरिंग यहाँ पे तो रुक रुक कर टाइम चलती रही, लेकिन 10 दिन से लगातार जो है वो चल रही है। हाँ, इन लोगों का यही कहना है कि 10 दिन से लगातार इस इलाके को निशाना बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मंजीत सिंह, एनएम न्यूज, एलओसी, सलोत्री, पुंछ। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।